आज मैं आपको मिलवाने वाला भुवनेश्वर के सुपर ह्यूमन पांडा भाईना से, जो कि खोलते हुए तेल में हाथ डालकर निकालते हैं चिकन पकौड़ा, जिसको बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में डेली का 500 किलो ओडिया मसालों के साथ तैयार किया जाता है। और इनका चिकन पकौड़ा इतना ज्यादा क्रिस्पी और जूसी होता है कि बनते ही सारा सेल हो जाता है। तो चलिए पांडा भाईना से बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने भुवनेश्वर में चिकन पकौड़ा की शुरुआत कैसे की। माय नेम इज प्रताप पांडा, पांडा मींस ब्राह्मण, इसलिए हर आदमी आके बोलता है पांडा भाईना। तो फाइनली दोस्तों चिकन पकौड़ा के लिए हमारे यहाँ पे चिकन आ चुका है, पूरी कढ़ाई भर के यहाँ पे चिकन डाला जा रहा है। भैया कितना किलो चिकन आ चुका है यहाँ पे? 40 किलो आया। अच्छा 40 किलो आया है। कितने साल हो गए? 2011 से शुरू किया, 12 साल हो गया। पहले जब भुवनेश्वर आया था ना, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नौकर किया था, उसके बाद मैं BLA भी कंप्लीट किया। वो तनख्वाह बहुत कम मिलता है, 600-700 रुपया मिलता है। उसके बाद मैं हाफ किलो चिकन और 6 अंडा से शुरू किया। ये धनिया पाउडर, सारे मसाले एकदम बढ़िया तरीके से इसमें डाले जाएंगे। और जो भी ये थोड़ा आपका रसुन ये सब मिला के जो पाउडर हुआ, वो पाउडर में डाला। बता दे दूसरा बता दे। ये कड़ी पत्ता है और पुदीना पत्ता है। ये टेस्ट बढ़िया था इससे कड़ी पत्ता से। जी कड़ी पत्ता पुदीना पत्ता दोनों मैं घर से ये करके ले आता है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तो देखते हैं बढ़िया से पीस के यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर लिया गया है। ये कॉर्नफ्लावर, तो ये थोड़ा बेसन डालेंगे। तो देखते हैं कॉर्नफ्लावर बेसन सारी चीजें। ये थोड़ा मोजा डालेंगे। मैं कुछ कलर नहीं देता है, आप देखा तो कुछ कलर भी नहीं देता है, विनेगर नहीं, अंडा नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल घर जैसा बनाता है। तो इसे वाटर मिक्स करके सारे बैटर को अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया जाए। जी तो पांडा भाई कितना टाइम लगेगा चिकन पकौड़ा रेडी करने? ये तो अभी 5-10 मिनट में हो जाएगा। क्वालिटी एकदम बढ़िया रहती है, नंबर वन रहती है। नहीं मैं वो बोल नहीं सकती नंबर वन की नंबर टू, लेकिन भगवान का जो आशीर्वाद है, वो आदमी जो जो मेरा कस्टमर है वो बोलता है ठीक है भैया ऐसा पकड़ा है, यहाँ पे आस पास किधर मिलता नहीं। वही मेन मसला है जो महाराष्ट्र कोंडा में बोलता है, मैं उसको खुद हाथ में बनाता है, घर में ग्राइंडिंग करके ऐसा सूखा के मसाला बनाता है। इसमें हर चीज आपको मिलेगा। और उसका बाद ये राशि डालता है, तो ऊपर से यहाँ पे तेल आ चुके हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल देने के बाद क्या होता है ना, आपको थोड़ा क्रिस्पी आ जाता है। अभी वो भगवान का आशीर्वाद से अभी 178 केजी पर डे जाता है। अंडा भी 200-250 ऐसा 300 भी हो जाता है। अभी सीजन आ गया, अच्छा बिजनेस होगा। तो ऑयल का देख सकते हो यहाँ पे पैकेट आ चुका है और हमारा फ्रेश ऑयल कढ़ाई में यहाँ पे डाला जाएगा। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे चिकन पकौड़ा का सारा बैटर आ चुका है और चिकन आ चुका है और इसको अच्छे से यहाँ पे तैयार किया गया है। इसका प्राइस कितना रहता है चिकन पकौड़ा? एक प्लेट 100 रुपया, वो 12 पीस आता है 100 रुपया। जी जी। और किसको 1 किलो इतना कितने का रहता है? 1 किलो में 35 पीस आता है, 1 किलो 220 रुपया। तो देख सकते हो हाथों से, देख सकते हो तेल में खोलते हुए तेल में हाथ डाल दिए। भैया लगता नहीं आपको ये कैसे चमत्कार है? ये मेरा हैबिट था, 8 साल हो गया हैबिट था, लेकिन अभी छोड़ दिया हैबिट पड़ा। तो गर्मा गर्म देख सकते हो हमारे चिकन के पकौड़े यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और एकदम क्रिस्पी से तैयार किए जा रहे हैं और देखने में भी बढ़िया लग रहे हैं। बिना कलर डाले देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और एकदम क्रिस्पी हो चुका है। आप कहाँ पर जाएंगे तो पकौड़ा जैसा मंदार फूल जैसा रेड है ना, वही कलर आ जाता है, लेकिन इतना डालेंगे तो पूरा 50 किलो पर रेड कर देगा, लेकिन तब जो जाता है कितना डेंजर हो जाता है, इसलिए मैं कभी डाला नहीं कलर। तो फाइनली हमारे गर्मा गर्म चिकन पकौड़े लगकर रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी टेस्ट करते हैं देखते कैसे देते हैं। तो हमारे गर्मा गर्म चिकन पकौड़े इसमें लगाए जा रहे हैं, हाफ प्लेट यहाँ पे लगाई जा रही है। भैया कितने पीस होते हैं हाफ प्लेट में? तो ये आ गया इनका मसाला, तो ये आ गई इनकी स्पेशल चटनी जिसके लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा दीवाने हैं, और ये आ गया टोमेटो केचप। तो फाइनली भुवनेश्वर के फेमस पांडा भाईना का फेमस यहाँ पे चिकन पकौड़ा लगकर रेडी हो चुका, जो हाथों से खोलते हुए तेल में यहाँ पे चिकन पकौड़ा निकालते हैं और देखते हो कितने बढ़िया तरीके से क्रिस्पी चिकन पकौड़ा यहाँ पे इन्होंने लगा दिए हैं। तो इनके चिकन पकौड़ा की खासियत ये रहती है कि इसमें ये बिल्कुल कलर का इस्तेमाल नहीं करते, अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे नेचुरल बनते हैं वैसे ही बना के देते हैं, जैसे घर पे आप खाते हो वैसे ही इसको बनाया जाता है। इसके साथ आपको प्याज मिल जाएगा, गार्लिक इमली की चटनी मिल जाएगी, साथ में टोमेटो केचप मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं इनके गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा को हम टेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं ट्राई करूंगा इनकी गार्लिक चटनी के साथ। तो मैंने चिकन पकौड़ा पूरे भुवनेश्वर में बहुत जगह ट्राई किया, तो सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे चिकन पकौड़ा लगा तो पांडा भाई का लगा। इनका जो चिकन पकौड़ा है काफी ज्यादा टेस्टी है, हल्का सा स्पाइसी और मुझे स्पाइसी फूड काफी ज्यादा पसंद है। इसमें जो उन्होंने मैरिनेशन में मसाला डाला है वो काफी ज्यादा बढ़िया इसको टेस्ट दे रहा है, साथ ही साथ इनकी गार्लिक और इमली की चटनी काफी ज्यादा टेस्टी है। इनका चिकन जो है एकदम फ्रेश है, एकदम जूसी है। तो ये दुकान का टाइमिंग क्या रहता है आपका? टाइम आपसे 5 बजे शुरू होता है, वो जब खत्म हो जाता है हम लोग 9 बजे 8 बजे 10 बजे उसका कुछ फर्क नहीं, जब खत्म हो जाते हैं चले जाते हैं। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? हर दिन, खाली मंडे का क्लोज है। और दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए, उड़ीसा में कहाँ पे लगाते हो? ये हमारा उड़ीसा, ये भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर रेलवे स्टेडियम का पास है मेरा दुकान। आचार्य बार से आएंगे तो सैनिक स्कूल का अंदर में आ जाएंगे, रेलवे स्टेडियम आ जाएगा। आप जयदेव बार से आएंगे तो वो करेंगे हॉस्पिटल छक से आके फिर रेलवे स्टेडियम आ जाएंगे। उधर पांडा भाई ना किसी को पूछेंगे तो पांडा भाई ना कहाँ पे वो बता देंगे। तो अगर आप भी बढ़िया से चिकन पकौड़ा खाना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पांडा भाई ना के साथ, इनका ये चिकन पकौड़ा जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 50 रुपीज। तो 50 रुपए में आपको 6 पीस चिकन पकौड़ा यहाँ पे खाने को मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है सस्ते दाम में पूरे उड़ीसा में आपको चिकन पकौड़ा खाने को देगा। तो एक बार आके इसको जरूर ट्राई कीजिए, ये चिकन पकौड़ा इंडिया से हाईली रिकमेंडेड है। तो चिकन पकौड़ा को मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।